बांग्लादेश में तख्ता पलट का एक महीना पूरा स्थिति क्या है चुनाव कब होंगे आगे क्या होगा ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी बांग्लादेश में 5 अगस्त 2024 को तख्ता पलट हुआ था जिसे एक महीना बीत चुका है इस बीच बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शन भी हुए शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा हिंदुओं पर हमले हुए नोबेल विजेता मोहम्मद यूनिस ने नई अंतरिम सरकार बनाई उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में विरोध करने वाले दो छात्रों को भी जगह दी अब सवाल यह कि एक महीने बाद बांग्लादेश की स्थिति क्या है माहौल कैसा है स्कूल कॉलेजों की स्थिति क्या है और सबसे जरूरी सवाल यह कि चुनाव कब होंगे तो सबसे पहले बात करते हैं कि बांग्लादेश में माहौल कैसा है तो उसका जवाब है अशांति अब भी बनी हुई है गारमेंट श्रमिक बेहतर वेतन की मांग को लेकर हड़ताल पर हैं। सौ से ज्यादा कारखाने बंद हो चुके हैं इस कारण तनाव और बढ़ रहा है शेख हसीना और उनकी पार्टी आवामी लीग के खिलाफ लोगों में जमकर आक्रोश है हसीना पर अब तक सौ से ज्यादा हत्या के मामले दर्ज हो चुके हैं विरोध प्रदर्शन के बाद उनके करीबी अधिकारियों को इस्तीफा तक देना पड़ गया हसीना की पार्टी और उनकी सरकार से जुड़े लोगों के खिलाफ लगातार मामले भी दर्ज हो रहे हैं इनमें पूर्व मंत्री जज से लेकर देश के प्रमुख खिलाड़ी भी शामिल है कई ऐसे लोग भी हैं पहले जिन पर हमला किया गया उन्हें देश छोड़ने से रोका गया फिर जेल में डाल दिया गया इसको लेकर कई संगठन आपत्ति दर्ज कर चुके हैं ढाका स्थित थिंक टैंक सेंटर फॉर गवर्नेंस स्टडीज के कार्यकारी निदेशक जिल्लुर रहमान ने बताया कि इनमें से ज्यादा मामले कानूनी रूप से कमजोर और राजनीति से प्रेरित हैं इनके जरिए हसीना के सपोर्टर्स को डराया भी जा रहा है अब सवाल यह खड़ा होता है कि छात्रों के हिंसक प्रदर्शन के बाद स्कूल और कॉलेजों की स्थिति क्या है तख्ता पलट के एक महीने बाद स्कूल कॉलेज धीरे धीरे खुलने लगे हैं कक्षाएं लगने लगी हैं लेकिन कक्षाओं में कम छात्र पहुंच रहे हैं तख्ता पलट के समय स्टूडेंट्स का गढ़ रही ढाका यूनिवर्सिटी सुचारू रूप से संचालित होने लगी है लेकिन उस पर सरकार और विपक्ष की पैनी नजर है क्योंकि छात्रों के विरोध के बाद ढाका यूनिवर्सिटी प्रदर्शनों का मुख्य केंद्र बन चुकी है एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि ढाका यूनिवर्सिटी वाले इलाके में हालात अभी भी सामान्य नहीं हुए अख्तर बताती हैं कि नई अंतरिम सरकार बने हुए सिर्फ एक महीना हुआ है और एक महीने में देश को बदल पाना संभव नहीं है इसलिए मोहम्मद यूनुस को अभी और वक्त देना चाहिए क्योंकि वो पिछली सरकार की गलतियों को सुधार रहे हैं अब बात यह करते हैं कि आगे क्या इसको लेकर खोजी पत्रकारों का कहना यह है कि धीरे धीरे स्थिति सामान्य हो रही है ढाका की सड़कें खाली हो चुकी हैं, सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारी छात्रों का युद्ध का मैदान अब नहीं है इंटरनेट सेवा को फिर से बहाल किया गया है राष्ट्रव्यापी कर्फ्यू को हटाया गया है हिंसा में कमी आने लगी है इसी के साथ लोगों ने नए अध्याय की उम्मीद भी जगी है दुकानें बैंक होटल रेस्टोरों खुलने लगे हैं लोग पहुंचने लगे हैं पुलिस जो अपनी सुरक्षा के डर से हड़ताल पर चली गई थी वो फिर से काम पर लौट आई है उनका मनोबल काफी ज्यादा कम हो चुका था अधिकारी सड़कों पर कम ही दिखाई दे रहे हैं छात्रों के खिलाफ उनकी कार्रवाई की याद कई बांग्लादेशियों के दिमाग में अभी भी ताज़ा है वो उपद्रव से निपटने के लिए तैयार नहीं है। बस चुनौती ये है कि कैसे बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को बूस्ट किया जाए जो विद्रोह के समय हफ्तों तक देश के बंद होने से बाधित हो गई है क्योंकि इसके चलते खाद्य और वस्तुओं की कीमतें आसमान छू रही हैं। ऐसे में स्थिति को संभलने में समय लगेगा इन सबके बीच जो सबसे बड़ा सवाल बनकर उभरा वो ये कि आखिर चुनाव कब होंगे पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स बताते हैं कि फिलहाल अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनिस देश के युवाओं का भरोसा जीतने का काम कर रहे हैं वो आए दिन छात्रों से बातचीत करते हुए नजर आते हैं माना यह जा रहा है कि उनका पूर्ण समर्थन मिलने के बाद मोहम्मद यूनुस चुनाव करवा सकते हैं हालांकि ये इतना आसान नहीं है क्योंकि अंतरिम सरकार के पास बड़े सुधार लागू करने के अधिकार नहीं है वो भी तब जब शेख हसीना की पार्टी के नेता चुनाव करवाने के लिए दबाव बनाने लगे हैं विल्सन सेंटर के साउथ एशिया इंस्टीट्यूट के निदेशक माइकल गल मैन का कहना यह है कि अगर बांग्लादेश में सुरक्षा एक समस्या बनी रहती है और आर्थिक वो जल्द से जल्द चुनाव करवाने पर जोर दे रही है इससे एक परेशान करने वाला सवाल ये उठता है कि क्या होगा और बीएनपी जल्दी चुनाव नहीं करवा पाती है क्या छात्रों का आंदोलन फिर से शुरू हो जाएगा तो क्या बांग्लादेश में और अशांति फैलेगी इसे लेकर कुगलमैन ने बताया कि अगर ऐसा होता है तो नए खतरे पैदा हो सकते हैं साथ ही राजनीतिक अनिश्चितता और अस्थिरता बढ़ जाएगी आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं कमेंट करके जरूर बताएं कोई सुझाव है तो वो भी कमेंट करके बताएं और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत तो सब्सक्राइब करें